Hey guys, welcome to my channel. Guys, IBPS RRP PO का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, यानी 21 अगस्त को जो एग्जाम था उसका सेकेंड शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद ही पता चला कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे और डिफिकल्टी लेवल क्या था पेपर का, तो उसी बिहा पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ सबसे पहले मेंशन किया गया है कि जो आपका सर्कुलर यानी सर्कुलर 7% ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। रीजनिंग में इससे 5 क्वेश्चंस आए थे, यानी इनसाइड फेसिंग से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम पजल की बात करें, पजल कई सारे पजल आए हुए थे और कुछ बहुत ज़्यादा इजी भी थे, कुछ हार्ड लेवल के भी थे। तो यहाँ जो मंथ डेट बेस्ड जो पजल थी, यानी मंथ कौन सा होगा, डेट कौन सी होगी, इस बिहार पे जो पजल पूछी गई थी वो 5 पजल थी, 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन आए थे, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आपका 2 टाइप का होता है, लीनियर एंड सर्कुलर। तो यहाँ लीनियर से आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद 9% डिजिग्नेशन बेस्ड पजल जो थी, 5 क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक से आए थे, पजल से कई सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद यहाँ आपका 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन इक्वालिटी से भी आपके 3 क्वेश्चंस आए थे, अदर से 4 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है रीजनिंग में और इजी भी होता है, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 5 क्वेश्चन आए थे, वर्ड फॉर्मेशन से आपका 1 क्वेश्चन आया था एंड ऑड वन आउट से 1 क्वेश्चन आया था। तो टोटल आपके 40 क्वेश्चंस रीजनिंग में किस किस टॉपिक से पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वांट्स की, कि क्वांट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस यानी कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि DI से 5 क्वेश्चंस आए थे, यानी आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उससे आपके 5 क्वेश्चंस आए थे। अर्थमैटिक से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अर्थमैटिक से ही आए थे। उसके बाद आपका टेबुलर DI से भी 6 क्वेश्चन आए थे, लाइन ग्राफ DI से 5 क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेशन से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मिसिंग नंबर सीरीज से भी 5 क्वेश्चंस आए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 5 क्वेश्चंस आए थे। मैंने आपको बता दिया ओवरऑल के कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए थे। इस हिसाब से आप अपनी आगे की तैयारी जारी कर सकते हैं और एक एनालाइज भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, मॉडरेट था। बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि जो पेपर का लेवल था बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, रीजनिंग और अर्थमेटिक दोनों का ही मॉडरेट था। वो तो तैयारी पर डिपेंड करता है, जिनका ज़्यादा अच्छी तैयारी है उनको इजी लगता है, जिन्होंने तैयारी नहीं की उन्हें हार्ड लगता है। तो इस बिहाफ पे सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।